पंजाब न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा खान और इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लैटीज होटल लाहौर में जहां पे ब्यूटी एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ। ये वन डे ब्यूटी एग्जीबिशन है का आगाज़ है। यहां पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ से एक ब्यूटी स्टॉल लेडीज़ के लिए स्टॉल स्टॉल है। यहाँ पर अगर हम औरतों का जूम देखें, मर्दों का दोनों का जूम बराबर है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, यहाँ पर बहुत से स्टॉल्स लगे हुए हैं। डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हेयर स्किन रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम आपको वहाँ का चक्कर भी लगाते हैं, दिखाते भी हैं कौन कौन से स्टॉल कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लेंगे, मज़े सा इंटरव्यू भी लेंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि लोगों को यहाँ पे आके कैसा लगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जिस वक्त मेरे पास एक ऐसा स्टॉल मौजूद है जहाँ पे पार्लर की तकरीबन तमाम एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स हर चीज़ अवेलेबल है। आपको डिफरेंट जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे खड़े होकर आप सब चीज़ें ले सकते हो। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना से यहाँ पे पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुए हैं और तकरीबन सारी पार्लर की जितनी भी एक्सेसरीज हैं प्रोडक्ट्स हैं इनके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर कैसे हैं मैम? जज़ाकअल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नेम है आपका? हसीब बट सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम सैलून डिज़ाइनर लाहौर ब्रांच। लाहौर आपकी ब्रांच, मतलब और भी ब्रांचेस और जगह हमारी जो है ना वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ जगह पे ब्रांचेस हैं। वो विद लाहौर जो है ना 12 ब्रांचेस हैं। हम जो है ना पूरे लाहौर पाकिस्तान को कवर करते हैं, लाहौर टू कराची जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास सब एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन मेन चीज़ आपके पास क्या है जिसकी वजह से आपकी ब्रांच चीज़ ज़्यादा मतलब कि जानी जाती है? मैम बेसिक चीज़ होती है, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है ना वो उसकी भी कैटेगरी है, ए प्लस कैटेगरी है। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हम सर्विसेज मुख्तलिफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सैलून पे अगर आप आ गए ना हमारे पास तो हमने आपको स्टाफ का यूनिफॉर्म भी बना कर देना, कस्टमाइजेशन में भी आपको फ्लेक्सेस वगैरह भी बना कर देंगे, आपको जो है ना विजिटिंग कार्ड्स वगैरह भी बना कर देंगे। इसके अलावा हमारी जो वैक्स है बॉडी वैक्स वो काफ़ी जो है ना यूज़ हो रही है और काफ़ी जानी जाती है इंटीमो के नाम से, इटालियन हमारी वैक्स है। उसी के आपको जो है ना प्री और पोस्ट वैक्स के फार्मूलाज भी मिलेंगे और उसमें हमारे पास टिप्स भी है, मतलब कम्प्लीट वैक्सिंग सिस्टम। आप जो है ना अगर आप अपना सैलून डिज़ाइन कर रहे हैं ना तो आपको हम एक रैक दे सकते हैं जिसमें आप जो है ना कंप्लीट वैक्स लगाएं तो बंदा देख के बताएगा कि हाँ यार ब्रांडेड चीज़ लगी हुई है, कि मतलब हीटर भी उसी कंपनी का है, वैक्स स्ट्रिप भी उसी कंपनी की है, स्पैचुलाज भी उसी कंपनी का है, प्री वैक्स जो लोशन है वो भी उसी कंपनी का है और पोस्ट वैक्स ऑयल जो है ना वो भी उसी कंपनी का। इसके अलावा जब हमसे कोई प्रोडक्ट वगैरह हाइड्राफिशियल की इक्विपमेंट्स वगैरह या कोई भी चीज़ परचेज करता ना तो हम उसके डेमोज भी देते हैं, मतलब अगर आपने हाइड्राफिशियल की इक्विपमेंट हमसे परचेज किया तो हम उसकी आपको क्लास देंगे ताकि आपको पता चले कि हमने किस स्टेप से उसको यूज़ करना या उसका क्या यूजेज का बेहतर जो तरीका है। लाइक स्किन को स्मूथ करने के लिए उसके लिए आप कोई क्रीम्स और नाइट क्रीम्स वगैरह इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल जी हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ ब्रांड हैं जिसमें हमारे पास जो है ना अदर ब्रांड्स में हमारे पास स्टेज लाइन आ जाता है, सिल्की कूल के फेशियल्स आ जाते हैं जो कि आप जो है ना उसके फेशियल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी जाना माना ब्रांड है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास अपनी क्यूने की सारी कैटेगरीज हैं, उसमें हमारे पास हेयर कलर्स आ जाते हैं, बेसिकली क्यूने का ही सब ब्रांड है सैलून डिज़ाइनर। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत अजीब सी ड्राई सी स्किन होती है, सूथिंग नहीं होती, इससे उन्हें बहुत इशू होता है, यार स्मूथ स्किन नहीं है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक फेशियल्स तो एक जगह पे लेते हैं लेकिन कुछ क्रीम्स वगैरह होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लगाते हैं सीरम वगैरह, वो आपके पास अवेलेबल जो आपकी स्किन को स्मूथ करें? जी बिल्कुल, हमारे पास एवलिन के सीरम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो भी जो आपको टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास जो ना होती हैं। जितनी भी आप जब मार्केट सर्च करेंगे ना टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट में आप जाएंगे ना तो सैलून डिज़ाइनर के पास वो प्रोडक्ट जरूर मिलेगी आपको, अंडर वन रूफ ना कंप्लीट सैलून सॉल्यूशंस प्रोवाइड मिले। प्राइसेस इसके क्या नॉर्मल है या फिर रेंज से बाहर है, कि किस क्लास के लोग लाइक मिडिल या अपर लेवल किस तरह के लोग अफोर्ड कर सकते हैं? मैम प्राइसेस जो है ना इसकी नॉर्मल है, बेसिकली हमने जो है ना सैलून वाले को सेल नहीं करना, हमने चीज़ प्रोडक्ट सेल करनी कस्टमर को। सैलून वाले ने तो सिर्फ परचेज करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने, जब आप एक कस्टमर को बताओगे ना कि यार ये वैक्स स्ट्रिप है ये 320 रुपये की है, ये हाइजेनिक है और ये एक वैक्स स्ट्रिप है ये 110 रुपये की है, तो मैं अगर ये वाली यूज़ करूँगा ना तो मैं 50 रुपये आपसे ओवर चार्ज करूँगा, तो वो आपको कहेगा भाई मुझे वो वाली ना यूज़ करो, मुझे ये वाली यूज़ करो, मैं 50 पे करता हूँ। तो ये भी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर किसी ने आपके पास विजिट करना तो आपके मेन ब्रांच कौन सा एड्रेस? लाहौर में अगर आपने विजिट करना है तो गुलशन इकबाल में हमारी जो है ना मून मार्केट के बिल्कुल करीब अल शफी हॉस्पिटल है, उसके साथ है लाइट बैंक है, उसके साथ ही जो है ना गुलशन 12 ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पे गुलशन इकबाल में ना हमारे। ऑनलाइन परचेजिंग के लिए आपका कोई ऐप कोई पेज? जी बिल्कुल, ऑनलाइन परचेजिंग के हमारे पास इंस्टाग्राम के पेजेज हैं सैलून डिज़ाइनर के, उसके अलावा फेसबुक के पेजेज हैं, हमारे पास प्रॉपर वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको जो है ना ऑर्डर मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी एग्जीबिशन में आके आपको क्या मतलब बेनिफिट मिलता है? यहाँ पे प्रोडक्ट जल्दी सेल होते हैं, यहाँ की पब्लिसिटी होती है, आप किस चीज़ के लिए? मैम बेसिकली ब्रांडिंग होती है और यहाँ पे जो है ना मोस्टली 80% जो कस्टमर्स है ना वो हमें जानते हैं, उसकी वजह ये है कि हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि हर बंदा हमें रीच कर रहा है और एक कंप्लीट सैलून सॉल्यूशंस हैं कि किसी को खपना नहीं पड़ता, वो हमारे पास आता है उसको कंप्लीट रेंज मिल जाती है, सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, हाफिज़।